सांसद संजय सिंह के ससुराल में जश्न का माहौल। एक सप्ताह बाद खेली गई होली, बांटी गई मिठाइयां। जी हां, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनके ससुराल में जश्न का माहौल है। आज सुबह से ही जमकर होली खेली गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दी गई। संजय सिंह की सास और साले ने बताया कि जब से वे जेल गए थे उसके बाद से हमने कोई पर्व नहीं मनाया। आपको बता दें कि होली को बीते एक सप्ताह हो गया है, लेकिन नगर के हुसैनाबाद मोहल्ले में फिर से होली का रंग दिखाई पड़ने लगा। यह होली आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुरू हुई है। संजय सिंह के ससुराल वालों में किस तरह खुशी का माहौल है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। जमानत मिल गई है, जौनपुर में क्या माहौल इसको लेकर? देखिए, जौनपुर में कल से ही जश्न का माहौल है। हर एक बाजार में, कार्यालय में हमारे कार्यकर्ता जुट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन अभी ये खुशी हमारी अधूरी है क्योंकि हमारे अभी तीन शीर्ष नेता जेल में हैं। लेकिन इससे एक उम्मीद जरूर जग गई है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कल ईडी से सवाल पूछा और ईडी की बोलती बंद हो गई, उससे ईडी पूरी तरह से बेनकाब हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे सारे नेता बाहर आएंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हमें उस दिन और दुगनी खुशी होगी जिस दिन जो मनी ट्रेल शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जिसके संकेत जा रहे हैं, तो अपने बुने जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। और वो दिन दूर नहीं जब जेपी नड्डा जी जेल में होंगे, और ये बहुत जल्द होगा। आपका परिचय? मैं पूर्वांचल प्रांत प्रभारी हूँ, अनुराग मिश्रा मेरा नाम है, और आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत की पूरी जिम्मेदारी। आज हमारे माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जमानत मिली है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 6 महीने से हम लोगों ने कोई त्यौहार नहीं मनाया। और हमारे घर में लोग बहुत तकलीफ से थे कि किसी भी जो आदमी कोई अपराध न किया हो उसको बिना किसी कारण के 181 दिन तक जेल में रखा गया। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो संज्ञान में लेते हुए उन्हें जमानत दी। इसीलिए आज हम लोग, आप क्या रखते थे? हमारे जीजा हैं वो। अच्छा। हमारे सबसे बड़ी जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड हैं, हमारे जीजा हैं, वो एक पिता के समान हैं हम लोगों के लिए। जब जेल भेजे गए तो क्या माहौल था घर का? जेल जब गए तो सबकी स्थिति ये थी कि सब ये सोचने लगे कि जब ईमानदार आदमी इस तरह जेल में जा रहे हैं तो आगे भविष्य क्या होगा राजनीति का। और हम लोग के लिए वो बहुत ही दुख का क्षण था जिस समय वो जेल में गए। घर का माहौल, उनके जमानत हो गया, इसलिए हमको, हम लोगों को बहुत खुशी है, जरूरत से ज्यादा खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं। संजय जी निर्दोष थे कि दोषी? वो तो निर्दोष है, उनको जानबूझ करके फंसाया गया है, बहुत ईमानदार हैं वो। अच्छा भैया, आपको कैसा बीता? हम लोग बहुत दुखी थे, बहुत ही ज्यादा, हमारा पूरा परिवार ही दुखी। इन सब के पीछे क्या लगता है, क्या वजह रही है उनको जेल में डालने की? सारी अब देखिए, राजनीति की बात है, इसको हम कहाँ तक आपको बता सकते हैं, ये सब तो राजनीति की बात है, कैसे हुआ क्या हुआ। इस दरमियान आपकी बेबी से बात होती थी, बेबी कुछ बताई? नहीं, बेबी इस विषय में मुझे टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए जानते हैं कि मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, तो वो ये सब बातें नहीं हमसे करती थी, केवल मेरी हाल चाल लेती थी, मम्मी आप कैसी हैं कैसी नहीं हैं, ये सब चीज़ हमारे बच्चों हमको बचाते हैं। माता जी, उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि काफी पैसे लिए, चंदा लिए, शराब। ये गलत, ये सरासर गलत। आज अगर पैसा लेते तो कहाँ से कहाँ रहते, ये सब गलत बात है। वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। उनसे तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है, इसलिए हमको इस विषय में कोई जानकारी है नहीं। दरअसल संजय सिंह की शादी हुसैनाबाद मोहल्ले के निवासी शीतला सिंह की बड़ी बेटी अनीता सिंह के साथ हुई थी। शराब घोटाले में संजय के जेल जाने के बाद उनके ससुराल में 6 महीने तक मायूसी छाई हुई थी और कोई त्योहार तक नहीं मनाया गया था। लेकिन कल संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की खुशी की लहर ससुराल वालों में दौड़ पड़ी है, मिठाइयां बांटी जा रही है, यहाँ तक कि गुलाल लगाकर होली का जश्न भी देखने को मिल रहा है।